हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी विल ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हैंड शेकिंग लेमा। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस इन अ ग्राफ विद 35 एजेस एंड ऑल वर्टिसेस आर ऑफ डिग्री एट लीस्ट 3। हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस बताना है किसी ग्राफ में, इसमें 35 तो एजेस गिवन है, नंबर ऑफ एजेस जो है वो 35 है एंड ऑल वर्टिसेस आर ऑफ डिग्री एट लीस्ट 3। हर वर्टेक्स की डिग्री कम से कम 3 है, कम से कम 3 डिग्री वर्टेक्स की डिग्री है और नंबर ऑफ एजेस हमें क्या गिवन है 35। तो हमें ये बताना है कि नंबर ऑफ वर्टिसेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या होगा उस ग्राफ में। तो गिवन क्या क्या है हमें, गिवन दैट नंबर ऑफ एजेस जो है ई अगर हम ले रहे हैं तो नंबर ऑफ एजेस जो है वो हमारे पास क्या गिवन है, 35 गिवन है नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस बताना है। हम लेट कर लेंगे, लेट द ग्राफ हैज एन वर्टिसेस, हमने मान लिया है एन वर्टिसेस हैं। ठीक, गिवन दैट, आल्सो गिवन दैट हमें क्या गिवन है, और साथ में हमें ये दिया हुआ है कि एटलीस्ट 3 डिग्री है हर वर्टेक्स की, सारे वर्टिसेस की डिग्री जो है वो 3 है। गिवन दैट डी ऑफ वी आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज एटलीस्ट 3, डिग्री हर वर्टेक्स की कम से कम 3 है। यहाँ पे आई जो है आपका वो 1 से लेकर एन तक वेरी करेगा, एन वर्टिसेस हैं ग्राफ में तो आई 1 से लेकर एन तक वेरी करेगा, तो हर वर्टेक्स की डिग्री एटलीस्ट 3 है और नंबर ऑफ एजेस कितनी है, 35। ठीक, ये दो कंडीशन हमें गिवन है, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस बताना है कितने पॉसिबल होंगे ऐसे ग्राफ में जिसमें 35 एजेस हैं और हर वर्टेक्स की डिग्री जो है कम से कम 3 है। वी नो बाय हैंड शेकिंग लेमा से हमें ये पता है कि सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस आई बराबर 1 to n, डिग्री ऑफ वी आई सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। ये हम प्रूव कर चुके हैं हैंड शेकिंग लेमा, तो हमें ये पता है हैंड शेकिंग लेमा से कि सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। ठीक, इसे ऐसे लिख सकते हैं 2e इज इक्वल टू समेशन i बराबर 1 टू n डिग्री ऑफ vi। ठीक, दिस इंप्लाइज 2e इज, देखिए डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, हर वर्टेक्स की डिग्री 3 से ज्यादा है। ठीक है, हर वर्टेक्स की डिग्री 3 से ज्यादा है, n वर्टिसेस हैं तो n वर्टिसेस के जो डिग्री का सम होगा वो 3n से ज्यादा होगा, n वर्टिसेस की डिग्री कम से कम 3n तो होगी होगी क्योंकि हर वर्टेक्स की डिग्री कम से कम 3 है, 3 से ज्यादा है, तो n वर्टिसेस जो होंगे क्योंकि हम लेके चल रहे हैं कि n वर्टिसेस है हमारे पास, n वर्टिसेस में इट मींस n वर्टिसेस की जो डिग्री का सम होगा वो 3n से ग्रेटर होगा। तो हम यहां पे ये कह सकते हैं इज इक्वल्स टू इज 2e इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये ऐसे कह लीजिए 2e इज इक्वल्स टू i बराबर 1 टू n डिग्री ऑफ vi इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3n, ये 3n से ग्रेटर होगा। 3n से ग्रेटर क्यों होगा, क्योंकि एक वर्टेक्स की डिग्री 3 है, n वर्टिसेस हैं तो n की क्यों डिग्री 3 है, तो कम से कम 3n होगी होगी। ठीक है, तो इसकी जगह हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3n ले सकते हैं सम, तो ऐसे कह सकते हैं इसे ओमिट कर देंगे 2e इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3n, 2e इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3n का मतलब हो गया 2 into 35 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3n और you can say that 3n is less than equals to 70, 3n 70 से less है, या यहाँ से ये कह सकते हैं n is less than equals to 70/3, n जो है 70/3 से less होना चाहिए, 70/3 से less होना चाहिए, तो n की क्या value possible होगी जब ये n जो है क्या integer positive integer value हम लें, number of vertices लें कि n जो है वो 70/3 से less रहे, 70/3 से less रहने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं अगर n की वैल्यू 23 लेंगे तो 23 जो है वो 69 बनेगा, 70 से लेस होगा, और 24 लेंगे तो 72 बनेगा, वो 70 से लेस नहीं होगा, या 24 ले लेंगे तो ये 23 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो n क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैक्सिमम जो हो जाएगा नंबर ऑफ वर्टिसेस, n 23 से लेस होना चाहिए या 23 होना चाहिए, तो दिस इंप्लाइज n इज लेस देन इक्वल्स टू 23, n कम से कम वो मैक्सिमम जो है वो 23 होना चाहिए, हेंस यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस
अगर मैक्सिमम नंबर पूछा है इज इक्वल टू 23, 23 हो जाएगी मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस। 23 से ज्यादा लेंगे तो इनइक्वालिटी फॉलो नहीं होगी। ठीक, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस किसी ग्राफ में जिसमें 35 एजेस हैं और जिसमें हर वर्टेक्स की डिग्री जो है कम से कम 3 है, उसे फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ एजेस हमें गिवन था, नंबर ऑफ वर्टिसेस हमने मान लिए एन है। ठीक, एन वर्टिसेस हैं और हर वर्टेक्स की डिग्री 3 से ग्रेटर है, सारे वर्टिसेस की डिग्री 3 से ग्रेटर है, तो एन वर्टिसेस की डिग्री का सम जो होगा वो 3n से ग्रेटर होगा। और हैंडशेकिंग डायग्राम से सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस वेयर 2e के इक्वल होता है, ये 2e इसके इक्वल होगा, ये 3n से ग्रेटर होगा, तो 2e 3n से ग्रेटर होगा, 2e 3n से ग्रेटर होगा, e की वैल्यू 35, 70 जो है वो ग्रेटर देन 3n होगा, 70 ग्रेटर देन 3n इट मींस 3n इज लेस देन इक्वल टू 70 और n इज लेस देन इक्वल टू 70/3। तो n की ऐसी वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू जिसे जो ये सेटिस्फाई करे, क्योंकि नंबर ऑफ वर्टिसेस जो है वो फ्रैक्शनल वैल्यू तो होगी नहीं, डेसिमल वैल्यू नहीं होगी, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस जो है मैक्सिमम यहां पे क्या पॉसिबल है 23, मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हो जाएंगे 23। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट पॉसिबल टू हैव अ ग्रुप ऑफ 9 पीपल, इज इट पॉसिबल टू हैव अ ग्रुप ऑफ 9 पीपल इन विच ईच पर्सन, इन विच ईच पर्सन is acquainted with exactly 5 other people. इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है क्या ऐसा पॉसिबल होगा कि एक ग्रुप हो 9 लोगों का, 9 लोग हों एक ग्रुप में जिसमें सारे जितने की भी लोग हैं each person is acquainted with, हर कोई जो है वो acquainted उसके जान पहचान वाले जो हैं वो exactly 5 ही लोग हों जान पहचान वाले। तो किसी को एक पर्सन में चूज कर रहा हूँ, जैसे 9 पर्सन समझ गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी पर्सन हैं, तो इस पर्सन के एग्जैक्टली 5 जो है लोग इसके जानने वाले होने चाहिए, एग्जैक्टली 5 से कनेक्टेड हो। इसी तरीके से कोई दूसरा जो पर्सन लेंगे वो भी 5 से कनेक्टेड हो, 5 लोग भी उसके जानने वाले हों। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ग्राफ थ्योरी की हेल्प लेंगे। ग्राफ थ्योरी इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें 9 पीपल गिवन है, 9 पीपल गिवन है हमें, ठीक है, 9 पीपल गिवन है, तो 9 पीपल को हम वर्टिसेस कंसीडर कर लेंगे, हम मान लेंगे कि 9 लोग जो है वो वर्टिसेस है ग्राफ के। ठीक, अब उन वर्टिसेस की एजेस क्या होंगी, ऐसे पर्सन जो एक दूसरे से एक्वेंटेड होंगे वो एज फॉर्म करेंगे। तो 9 में कोई फर्स्ट एक पर्सन हम चूज करेंगे तो एक पर्सन जो है वो एक्जेक्टली 5 से एक्वेंटेड होगा, इसी तरीके से दूसरा पर्सन चूज करेंगे वो एक्जेक्टली 5 से एक्वेंटेड होगा, तीसरा पर्सन चूज करेंगे वो एक्जेक्टली 5 से एक्वेंटेड होगा। तो सारे पर्सन जो है वो एक्जेक्टली कितने से एक्वेंटेड होंगे, 5 से एक्वेंटेड होंगे। इट मींस 9 तो वर्टिसेस हो जाएंगे, 9 वर्टिसेस हो जाएंगे और हर कोई 5 से कनेक्टेड है, 5 से कनेक्टेड है, इट मींस हमारे पास जो है अगर हम ऐसा ऑब्जर्व करें 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अगर हम ऐसे ऑब्जर्व करें 1 जो है 2 से एक्वेंटेड है, 3 से है एक्वेंटेड, 4 से एक्वेंटेड है, 5 से एक्वेंटेड है और 7 से एक्वेंटेड है। तो कोई भी वर्टेक्स अगर हम चूज करेंगे, कोई पर्सन लेंगे, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो है डिग्री कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, क्योंकि ये एक्जेक्टली 5 से कनेक्टेड है। इसी तरीके 7 जो है एक्जेक्टली 5 से कनेक्टेड है, 1 से कनेक्टेड ऑलरेडी गिवन है, तो 5 से और कनेक्टेड है ये 7 जो है, 5 इसके 9 लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 5 लोग इसके 9 हो गए। ठीक, इसी तरीके से 2 जो है 2 इससे भी एक्वेंटेड है, इससे भी एक्वेंटेड है, 2 भी 5 से है, एक ये ले लिया 2 का, एक 6 ले लिया, एक 9 ले लिया, एक 8 ले लिया, 1, 2, 3, 4, 5 सॉरी ज्यादा हो गए। ठीक है, तो हर पर्सन जो है 5 से एक्वेंटेड है, 5 से एक्वेंटेड है, इट मींस जो एजेस फॉर्म करेंगे हम, तो हर वर्टेक्स की डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी, 5, इस वर्टेक्स की डिग्री 5, इस वर्टेक्स की डिग्री 5, इस वर्टेक्स की डिग्री 5, और वर्टिसेस कितने हैं 9, 9 वर्टिसेस हैं, हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी है 5,
9 vertices, 5 है vertex degree, तो मतलब sum of degree of all vertices कितना हो जाएगा 45, सारे vertices की degree का sum कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, और 45 क्या होता है, एक odd number होता है, hand shaking language से हमें पता है कि sum of degree of all vertices in a graph is twice the number of edges, is an even number, is always an even number and is equals to twice the number of edges. तो यहाँ पे sum of degree of all vertices जो graph हम form कर पा रहे हैं इस situation के according, तो graph हमें मिलेगा उसमें sum of degree of all vertices 45 आ रहा है, जो odd number है, ठीक है, even number नहीं है, it means the graph is not possible. ये graph possible नहीं है, it means ये group, ऐसा group होना भी possible नहीं है. No, it is not possible to have a group of 9 people in which each person is acquainted with exactly 5 other people. हर person जो है exactly 5 से acquainted हो, ऐसा group होना possible नहीं है. तो इसे लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं, लेट ईच पर्सन एज अ वर्टेक्स ऑफ अ ग्राफ एंड ईच एज एंड एजेस आर फॉर्म्ड between those vertices, which are acquainted with each other, तो हमने कंसीडर कर लिया कि हर पर्सन को वर्टेक्स कंसीडर कर लिया ग्राफ का हमने, और एजेस जो है उनके बीच में फॉर्म होंगे ऐसे वर्टेक्स के बीच में जो एक दूसरे से एक्वेंटेड हो या एक दूसरे से एक्वेंटेड लोग हो, ठीक है, एजेस उनके बीच में फॉर्म होंगे. दस सिंस, लैंग्वेज में लिख लेंगे, सिंस ईच पर्सन इज एक्वेंटेड टू एग्जैक्टली, five other people, हर पर्सन जो है वो एग्जैक्टली 5 से acquainted है, therefore degree of each vertex, हर vertex की degree कितनी हो जाएगी, is 5, hence sum of degree of all vertices sum of degree of all vertices equals to 9 into 5 equals to 45, which is not possible, by handshaking lemma. ये possible नहीं है, क्यों? Handshaking lemma की वजह से, which is not possible by handshaking lemma. Hence, we can conclude that no, it is not possible to have a group of 9 people in which each person is acquainted with exactly 5 other people. Next question पे आते हैं, ये note कर लीजिएगा. The next question is, show that the maximum number of edges in a simple graph with n vertices is n minus 1 by 2. We have to show that the maximum number of edges in a simple graph with n vertices. Question is, show that the maximum number of, in a simple graph, maximum number of vertices in a simple graph with n vertices, maximum number of edges in a simple graph with n vertices is n minus 1 by 2. हमें शो करना है कि किसी सिंपल ग्राफ में जिसमें n वर्टिसेस हैं, ग्राफ कैसा है, सिंपल ग्राफ है, और नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, n,
एन वर्टिसेस का सिंपल ग्राफ है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस, ज्यादा से ज्यादा एजेस कितनी पॉसिबल है, एन एन माइनस वन बाय टू पॉसिबल है मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस। तो गिवन है हमें, ये प्रूफ करने के लिए फिर से हैंडशेकिंग लेमा का यूज करेंगे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट और यूज करेंगे। गिवन है नंबर ऑफ वर्टिसेस इक्वल्स टू एन, हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, एन है। ठीक, अगर हम सिंपल ग्राफ लें थ्री वर्टिसेस का, एक बात हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, अगर हम सिंपल ग्राफ लें थ्री वर्टिसेस का, तो ग्राफ सिंपल कब होता है, उसमें ग्राफ इज सेड टू बी सिंपल इफ इट हैज नो पैरेलल एजेस और सेल्फ लूप, सेल्फ लूप ना हो, पैरेलल एजेस ना हो। ठीक, तो सिंपल ग्राफ में अगर आप सिंपल ग्राफ ड्रॉ करें थ्री वर्टिसेस का, मैं एक सिंपल ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ जिसमें थ्री वर्टिसेस हैं। ठीक, तो तीन वर्टिसेस हैं यहाँ पे, ग्राफ कैसा है, सिंपल ग्राफ है, कोई पैरेलल एज नहीं है, कोई सेल्फ लूप इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक, तो थ्री वर्टिसेस हैं सिंपल ग्राफ में, यहाँ पे हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि अगर कोई वर्टेक्स मैं चूज कर रहा हूँ ये वाला वर्टेक्स, तो इसकी डिग्री मैक्सिमम कितनी पॉसिबल है, इसकी डिग्री यहाँ पे टू है, इस वर्टेक्स की डिग्री टू है, इस वर्टेक्स की डिग्री टू है, इससे ज्यादा डिग्री पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, इससे ज्यादा डिग्री पॉसिबल क्यों नहीं होगी, अगर मैं इसकी डिग्री थ्री करना चाहूंगा तो थ्री करूंगा तो सेल्फ लूप बनेगा, या थ्री करूंगा तो पैरेलल एज बनेगी, पैरेलल एज बनेगी या सेल्फ लूप बनेगा, तो डिग्री जो है वो मैक्सिमम कितनी है टू, और जब नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने थे थ्री, थ्री थे तो डिग्री मैक्सिमम कितनी होगी वर्टेक्स की, किसी भी वर्टेक्स की टू। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं फोर वर्टिसेस का सिंपल ग्राफ ड्रॉ करूं, मान लीजिए मैंने ये ग्राफ ले लिया, ये ग्राफ मैंने कंसीडर कर लिया, और ये सिंपल ग्राफ है, सिंपल ग्राफ है, अब भी सिंपल रहेगा, सिंपल ग्राफ है। ठीक, क्यों ग्राफ सिंपल है, क्योंकि इट हैज नो पैरेलल एजेस एंड इट हैज नो सेल्फ लूप्स, कोई सेल्फ लूप्स नहीं है, कोई भी पैरेलल एजेस इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक, अब मैं इस ग्राफ में इस ग्राफ में अगर मैं ऑब्जर्व करूं, कोई वर्टेक्स ले लूं, ये इस वर्टेक्स की डिग्री कितनी है थ्री है, इस वर्टेक्स की डिग्री थ्री है, मैक्सिमम डिग्री यहाँ पे किसी भी वर्टेक्स की थ्री पॉसिबल है, अगर मैं इससे ज्यादा डिग्री चाहूंगा तो या तो सेल्फ लूप बनाना पड़ेगा मुझे, या पैरेलल एज फॉर्म करनी पड़ेगी। तो मैक्सिमम डिग्री थ्री है, जब नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं फोर, तो फोर माइनस वन थ्री, तो अगर एन वर्टिसेस हैं, मतलब हमने ये ऑब्जर्व करा कि अगर एन वर्टिसेस होते हैं किसी सिंपल ग्राफ में, तो मैक्सिमम डिग्री किसी वर्टेक्स की कितनी होती है, एन माइनस वन होती है। फोर वर्टिसेस थे तो मैक्सिमम डिग्री थ्री किसी भी वर्टेक्स की, थ्री वर्टिसेस थे तो मैक्सिमम डिग्री टू, तो एन वर्टिसेस हैं तो मैक्सिमम डिग्री एन माइनस वन। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहां पे यूज करेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट डिग्री ऑफ मैक्सिमम डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इन अ सिंपल ग्राफ, इन अ सिंपल ग्राफ विथ एन वर्टिसेस, इन अ सिंपल ग्राफ विथ एन वर्टिसेस इज एन माइनस वन, दैट इज, ऐसे कह सकते हैं डी वी आई इज लेस देन इक्वल्स टू एन माइनस वन, वेयर आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन, आई जो है वो वन से एन तक वेरी करेगा। ठीक, तो डिग्री जो है किसी भी वर्टेक्स की, कोई से वर्टेक्स ले लें, एन वर्टिसेस हमने लिए हैं, तो कोई से वर्टेक्स ले लें उसकी डिग्री मैक्सिमम कितनी होगी, एन माइनस वन होगी। ठीक है, तो लेट ई बी द नंबर ऑफ एजेस इन द ग्राफ, हमने मान लिया नंबर ऑफ एजेस कितनी है, ई है, दस या हेंस बाय हैंड शेकिंग लेमा अप्लाई करेंगे, हैंड शेकिंग लेमा क्या कहती है, सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस आई बराबर वन टू एन डिग्री ऑफ वी आई इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। ठीक, तो ई की वैल्यू यहीं से फाइंड करेंगे हम, लेफ्ट में ले आएंगे एजेस को, टू ई इज इक्वल टू सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस डिग्री ऑफ वी आई। अब एन माइनस वन, एक वर्टेक्स की डिग्री एन माइनस वन है, ठीक है, मैक्सिमम एन माइनस वन है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं डिग्री ऑफ वी आई जो है लेस देन इक्वल्स टू एन एन माइनस वन होगी, क्यों, क्योंकि एक वर्टेक्स की मैक्सिमम डिग्री एन माइनस वन है, एन वर्टिसेस की मैक्सिमम डिग्री एन इन टू एन माइनस वन हो जाएगी, तो एन वर्टिसेस की मैक्सिमम डिग्री एन एन माइनस वन हो जाएगी, इट मीन्स टू ई इज लेस देन इक्वल्स टू एन एन माइनस वन, और वी कैन से दैट ई इज लेस देन इक्वल्स टू एन एन माइनस वन बाय टू, ई जो है वो मैक्सिमम, ई जो है वो एन एन माइनस वन बाय टू से हमेशा लेस होगा या उसके इक्वल होगा, तो उसके इक्वल होगा, इट मीन्स हेंस
मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन अ सिंपल ग्राफ विथ एन वर्टिसेस. तो क्योंकि ई जो है वो लेस देन इक्वल्स टू एन एन माइनस वन बाई टू होगा, तो मैक्सिमम एजेस एन एन माइनस वन बाई टू ही हो जाएंगी, या इससे कम होंगी या इसके इक्वल होंगी. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितनी होगी, एन एन माइनस वन बाई टू. यही हमें प्रूफ करके लाना था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन अ सिंपल ग्राफ विद एन वर्टिसेस इज एन एन माइनस वन बाई टू. थैंक यू.